हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकृति द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। डेली करेंट का जो हमारा सेशन चल रहा है उसी पे हमारी फिर से चर्चा होगी। और आप लोगों ने जो अपना स्कोर मुझे बताया है, मैं बोलना चाहूँगी कि जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है सोनू भिलाला और मनीष मेहरा जी का। ये जो दो लोग हैं ये हाईएस्ट, यानी इनका 11 में से 11 रहे हैं इनका स्कोर। मैं सोनू भिलाला जी और मनीष मेहरा जी से पूछना चाहूँगी कि इसमें आप लोगों ने कोई बेईमानी तो नहीं की? बेईमानी नहीं करना है ना, ईमानदारी से आपको अपना स्कोर बताना है। फिर सेकंड नंबर पे रही हैं निर्मला जी। निर्मला जी के जो नंबर आए हैं वो 10 आए हैं। और थर्ड नंबर पे रहे हैं रामलाल अवासिया, रीना मीना जी और जया चौकसे। ये तीन लोग जो थे वो थर्ड नंबर थे। कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की है कि आप लोग डेली ट्राई करते हैं। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि कुछ ही लोग हैं जो डेली अपना स्कोर मुझे बताते हैं और जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका भी आंसर देते हैं। मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, आंसर देने की कोशिश किया करें और अपना स्कोर भी बताया करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, कल के लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी मेरी तारीफ़ की है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुस्कुराहट तो फिर है ही, ठीक है, चलो शुरुआत करें। मैंने जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि कौन सी स्पेस एजेंसी एस्ट्रॉइड को समझने के लिए डॉट मिशन को लॉन्च करेगा। एस्ट्रॉइड को समझने के लिए डॉट मिशन को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो मोस्ट लोगों ने मुझे आंसर दिया था नासा। वेरी गुड, जिस जिसका आंसर आया था नासा, बहुत अच्छी बात है क्योंकि नासा ही क्या है, हमारा सही आंसर है। और किसी एक ने बोला था कि मैम आप बहुत चलते हो, थोड़ा रुक जाया करो, तो मैं कोशिश करूँगी। मुझे आदत है बार बार इधर से उधर होने की, मतलब चलने की, एक जगह खड़े होकर पढ़ाने की आदत नहीं है, है ना, बट आई ट्राई, ठीक है। तो नासा की अब यहाँ अगर बात हो रही है तो हम भी किसकी बात करेंगे, नासा की बात करें हम। नासा की तो नासा क्या है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये क्या है, नासा का फुल फॉर्म है। और हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, इसको हिंदी में बोला जाता है। स्थापना कब हुई थी नासा की? तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? जो सूर्य मिशन था नासा का उसको क्या बोला जाता है? सनराइज। क्या बोला जाता है? सनराइज। और अगर बात करूं कि नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो बुध के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया है? मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर कौन से मिशन के तहत पहुंचा था? तो वो पहुंचा था अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा ने अपना मिशन भेजा था, मतलब चंद्रमा पे जो व्यक्ति भेजा था वो कौन सा मिशन था? अपोलो प्रोग्राम, ठीक है। ये थी नासा के बारे में। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड पिक्स 2021 जीती है? तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं कि करंट अफेयर्स में ऐसा हो जाता है कि नहीं बनते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों को, ना ही ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको अपने मन में लाने कि मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, या ऐसा कुछ नहीं करना है ना, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इसका सही आंसर क्या है? वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने अभी हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अब बात करें अगर वाल्टेरी बोटास की, तो ये मर्सिडीज फिनलैंड ने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा? F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। यह इस सीजन का उनका पहला खिताब है, मतलब पहला खिताब है, अभी इससे पहले उन्होंने कोई भी अवार्ड या कोई भी खिताब नहीं जीता है, ये उनका पहला खिताब है। मैक्स बेस्टरप्रिन नीदरलैंड के जो दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि सर्जिया पेरेज
सर्जियो पेरेज जो थी वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस बीच लुईस हैमिल्टन पांचवें स्थान पर रहे हैं, और जो लुईस हैमिल्टन है वो काफी पीछे हो गए हैं और पांचवें स्थान पर रहे हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी आप भले ही ध्यान मत रखना कि दूसरे तीसरे पे कौन रहा, बट ये याद रखना कि जीता किसने है। ठीक है, चलो मैं बस लिख इसलिए देती हूँ, लेकिन आपको बता भी देती हूँ कि आपको क्या याद रखना है और क्या नहीं। वो इसलिए कि किसी किसी के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं या समझ नहीं आता है, बस इसलिए मैं ये डिटेल ले लेती हूँ कि आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो क्लियर हो सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के? तो वो बने हैं जस्टिस राजेश बिंदल। जस्टिस राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अब बात करें कि आगे कि अक्टूबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपको याद होगा अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना, याद है क्या? चलिए अब बात करें आगे कि इनके अलावा भी और आठ जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। तो उनको भी आप एक बार देख लो कि वो कौन कौन से हैं, जो आठ हाईकोर्ट के जो बने हैं न्यायाधीश वो कौन कौन से हैं। फोटोज ये सामने आपके रही है और ये स्टेट और उनके नाम देखो। पहला है कौन? रंजीत बी मोरे। रंजीत बी मोरे कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं मेघालय हाईकोर्ट के। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसलिए कि आपको आई नो कि एक बार में याद नहीं होगा, बट बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो रंजीत बी मोरे कहाँ के बने हैं? मेघालय हाईकोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट सतीश चंद शर्मा। आर वी मालीमथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कौन बने हैं? आर वी मालीमथ। और कर्नाटक हाईकोर्ट के ऋतुराज अवस्थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट प्रशांत कुमार और राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रकाश श्रीवास्तव। कलकत्ता हाईकोर्ट एंड अरविंद कुमार गुजरात हाईकोर्ट। ये आप देख सकते हैं कि ये आठ जो हैं मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं, तो अगर चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए एक बार, मैं साइड में हो जाती हूँ अब किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होती है? चलिए करें। हाँ अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास, कौन सा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2021 के दूसरे चरण, पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसके जो दूसरे चरण का आयोजन है वो किया जाएगा कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। मालाबार का जो द्विपक्षीय अभ्यास है वो कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। अब बात करें कि पहला कब से कब तक चला था, तो ये चला था 26 से 29 अगस्त, मतलब अगस्त में चला था, 26 से 29 अगस्त तक चला था। और कहाँ हुआ था? फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था? फिलीपींस सागर में। अब कहाँ हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में, पहला दूसरा याद रखना है। ठीक है, चलो अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 11 अक्टूबर 2021 को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, जितने भी नोबेल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मैं आपको डेली बताती हूँ, तो आपको क्या करना है? याद रखना है। और जैसे ही सारा हो जाएगा मैं एक नोबेल पे आपका पूरा वीडियो बना दूंगी, और अगर बाय चांस मतलब हो सका तो ट्रिक की भी कोशिश करूंगी कि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अगर आर्थिक विज्ञान की बात करें तो आर्थिक विज्ञान में दिया गया है तीन लोगों को। कितने लोगों को? तीन लोगों। वो कौन है? डेविड कार्ड, जोसुआ इंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। ये तीन लोग हैं जिन्हें क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसमें? आर्थिक विज्ञान में।
अब बात यहाँ आर्थिक विज्ञान की हो रही है, तो आपको ये पता है कि ये कहाँ से नोबेल पुरस्कार, जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था तो पूरा डिटेल बताया था, लेकिन मैं फिर भी और बता रही हूँ, तो आप वो भी सुन लो जिससे आपका भी क्या हो रिवीजन। 1969 में रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन, कौन कौन से, रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार दो लोगों को मिला था जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, ठीक। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। बताया था ना कि वो परोपकारी थे, उन्हीं के नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। उस सिद्धांतों के अनुसार जो नोबेल पुरस्कारों के लिए क्या थी 1901 से प्रदान किए गए हैं, 1901 में दिया गया था पहला नोबेल, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो अब हम बात करें हमारे किसकी, ग्रैंड प्रिक्स। अभी हाल ही में वो ग्रैंड प्रिक्स वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था, ये स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो ग्रैंड प्रिक्स जो वाला क्वेश्चन बताया था हाल ही में और किस किस ने जीते हैं आप ये भी देख लो। देखो पहला क्या लिखा है, लुईस हैमिल्टन, मैंने बताया था कि कौन से स्थान पर रहे, पांचवे, लेकिन इन्होंने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा, रूसी ग्रैंड प्रिक्स। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, डेनियल रिचार्डो, इटालियन किसने जीता, डेनियल रिचार्डो। डच ग्रैंड प्रिक्स, डच किसने जीता, तो डच जीता मैक्स वेरस्टैपेन, मैक्स वेरस्टैपेन ने डच जीता। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टापेन, किसने, मैक्स वर्स्टापेन। और हंगोरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है स्टीवन ओकान ने, किसने, स्टीवन ओकान ने। ये अभी हाल ही में क्या हुए हैं, ग्रैंड प्रिक्स जीते गए हैं, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली, स्वामित्व मतलब खुद चीन की है ना, सौर ऊर्जा कंपनी कौन सी, REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी खरीदी है, मतलब इसको खरीद लिया है चीनी, जो चीनी स्वामित्व वाली कंपनी थी सौर ऊर्जा कंपनी, उसको उन्होंने किस इंडियन कंपनी ने खरीद लिया है, तो इसका सही आंसर है आपका क्या, RNESL यानी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। इस कंपनी ने, जो हमारी भारतीय कंपनी है चीनी कंपनी की, कौन सी कंपनी, REC सोलर होल्डिंग्स को 100% हिस्सेदारी के साथ खरीद लिया है। अब बात करें कि कितने में खरीदा, तो ये खरीदा है भाई $771 मिलियन में, कितने में, $771 मिलियन में इस कंपनी को इंडियन कंपनी ने खरीद लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्या, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने आपको बताया भी था शायद, जब अक्टूबर के डेज बताए थे कि भाई 11 बालिकाएं और कितने विद्यार्थी थे, लड़के थे ना, बताया था को कॉफ़ी पसंद नहीं है, एक एक कॉफ़ी पीते हैं, ऐसा बताया था कुछ, चलो कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डेज ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक। अब बात करें कि पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार इसको बनाया गया था, अब कौन सा संस्करण था, तो ये था नोवा, कौन सा, नोवा संस्करण, ये याद करो, थीम याद करो, संस्करण याद करो, ठीक है, डेज में क्या, डेट याद कर लो, और इस बार की थीम क्या थी और कौन सा संस्करण था ये, और मोस्ट अगर हो सके कि भाई आयोजित कहाँ हुआ था, ठीक। नोवा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, मनाया गया था पहली बार कब मना था, तो आयोजन 2012 में किया गया था, कब, 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया था। अब बात करें कि भाई ये मनाया क्यों जाता है, सीधी सी बात है, लड़कियों के सामने जो भी चुनौतियां आती हैं उनको समझना और उनको बारे में बताना, या उनके लिए उनको ऐसा बताना कि भाई आप तैयार रहें कि आपको आगे भी और भी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, फेस करनी पड़ेंगी, ठीक। क्या है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण, उनके जो भी अधिकार हैं
हमारे काफी अधिकार होते हैं कि नहीं, गर्ल्स के काफी अधिकार होते हैं, हाँ, तो उनके जो अधिकारों का संरक्षण करना और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना, उनके सामने जो भी चुनौतियों कठिनाई आए उनको भाई देख लो, दिवस तक मनाया जाता है और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना, बालकों के समान, ये आप ध्यान रखना। क्या होता है कि मोस्टली अभी भी यही होता है कि लड़कों को लड़कियों से नीचा समझा, नहीं सॉरी, लड़कों को जो है कि ऊपर समझा जाता है लड़कियों के अकॉर्डिंग, ऐसा समझते हैं लोग। गांव में आज भी चलता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती और लड़के सब कुछ कर सकते हैं। अब उनकी ये गलतफहमी सब दूर हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आजकल कोई कम नहीं है, लड़का हो या लड़की सब सब कुछ कर सकता है, कुछ इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। चलिए, और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन, बताया ना जनरेशन से रिलेट, तो डिजिटल जनरेशन एंड अवर जनरेशन। तो भैया आपको भी यही समझना है बालिकाओं को और बालिका को, सॉरी बालक को, कि भाई बालिकाएं आपसे कम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिप्टो मंच, क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर, कौन सा? कॉइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं कॉइन स्विच कुबेर के? ये क्या है कॉइन स्विच कुबेर? तो ये क्या है, एक्चुअली बंदरगाहों और उनसे रिलेटेड है। क्या? कॉइन स्विच कुबेर। तो इसके अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं हमारे? रणवीर सिंह कपूर, नहीं रणवीर सिंह, ठीक है। रणवीर सिंह अभी हाल ही में इसके क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब बात यहाँ अगर ब्रांड एम्बेसडर की हो रही है तो मैं भी किसकी करूँगी? ब्रांड एम्बेसडर की, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर अब नहीं लिखा रहा, जो पैरालंपिक्स गेम याद है कि नहीं, हाँ, रिलेटेड फैक्ट याद करने की कोशिश किया करो। फिर किचनवेयर ब्रांड, ये भी बताया था भाई कृति सेनन, बताया था कि नहीं, याद दिलाया था मैंने किचनवेयर वाला, और वॉच कंपनी फोसिल की भी बताई थी, कौन है? कृति सेनन। फिर भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह NBA के भी हैं और इसके भी हैं, ठीक। क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन ये किसके हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, कौन? हमारे बिग बी है ना, वो भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो भाई चलो ठीक, कोई नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच, क्या? पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप, कौन सा ऐप? माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे सर्वानंद सोनोवाल, किसने? सर्वानंद सोनोवाल जी ने ये कौन सा ऐप लॉन्च किया है? माई पोर्ट ऐप। किसके लिए किया है? तो भाई ये बंदरगाहों से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है ये भी देख लेते हैं। इस ऐप का उद्देश्य पोर्ट से संबंधित जानकारी पार में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कौन कौन? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बयान के अनुसार ऐप का उद्देश्य उन बंदरगाह उपयोगकर्ताओं के लिए है जो विभिन्न बंदरगाह सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, मतलब एक ही बंदरगाह पे हैं लेकिन उन्हें और अदर जो बंदरगाह हैं उनकी जानकारी नहीं है या उनका यूज़ कैसे करना है ऐसा नहीं पता है, इन्हीं के लिए ये क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है माय पोर्ट ऐप, ठीक है। ये सभी पोर्ट तथ्यों को डिजिटल रूप से दिखाएगा, क्या करेगा? डिजिटल रूप से दिखाएगा और क्या करेगा? और पोर्ट संचालन की निगरानी करेगा, ये ऐसा दिखेगा, देखो स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अभी करेंट में जो भी और ऐप आपके अपलोडेड, मतलब सॉरी जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, उनको भी लेके बात कर लेती हूँ। जैसे कि पहला आपका ऐप दिख रहा है कौन सा? भूकंप अलर्ट ऐप। भूकंप अलर्ट ऐप कहाँ चालू हुआ है? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है, भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो पहले से ही पता चल जाए, इसीलिए ये जो ऐप है वो कहाँ चालू किया गया है? उत्तराखंड में। ई नगर मोबाइल ऐप, ई नगर मोबाइल ऐप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? गुजरात में।
और प्रूफ एफ जम्मू और कश्मीर में। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जम्मू और कश्मीर को कि जम्मू और कश्मीर में जब भी आप जाते हैं तो एंट्री लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रूफ ऑफ आईडी मांगे जाते हैं कि भई आप इंडियन ही हो, नहीं पता चले कोई और हो। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि प्रूफ एफ जम्मू और कश्मीर। फिर फिट इंडिया मोबाइल ऐप, तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने, इसको किया है लॉन्च। क्या? फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। और प्रगति ऐप, आप लोगों को पता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने इस ऐप को क्या किया था, लॉन्च किया था। किसके लिए? अपने जो भी उनके वो हैं उनको काम करने में कम्फर्टेबल रहें, इसीलिए ये जो ऐप है वो लॉन्च किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 45वां यानी 45वें वायलोर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड, ये अवार्ड है क्या? राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड, ये किसे दिया गया है, किसने जीता है? ये काफी सोच विचार में दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं हाँ, तो इन्हीं ने ये अवार्ड जीता है। तो ये कौन है? ये है बेन्यामिन। कौन है? बेन्यामिन। बेन्यामिन ने कौन सा अवार्ड जीता है? 45वां वायलोर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। अब बात करें अगर हम आगे कि भई ये हैं कौन, तो ये हैं जाने माने मलयालम लेखक। कौन से लेखक हैं? मलयालम लेखक। इनका नाम क्या है? बेन्यामिन। बेन्यामिन को उनकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? मंथा लिरले, अब ये उसमें मलयालम में है ना, 20 कम्युनिस्ट वारसंगल, ये इंग्लिश और ऐसा है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश भी है एक्चुअली और मलयालम को भी मिस कर रखा है ऐसा लग रहा है, कुछ वर्ड्स मलयालम के, ठीक है। तो के लिए 45वां वायलोर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला है इनको इस अपनी पुस्तक के लिए। कौन सी पुस्तक? पुस्तक का नाम क्या है? मंथ लिरले 20 कम्युनिस्ट वारसंगल, ये इनकी बुक का नाम है। वायलोर राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पुरस्कार में इसमें मिलता क्या है? 1,00,000 रुपये। कितने रुपए? 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार, नगद कैश मिलता है। और मूर्तिकार, प्रसिद्ध मूर्तिकार कानाई कुनीरामन, कौन? कानाई कुनीरामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है इस अवार्ड में, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य ने भू राजस्व सेवाओं को सुव्यवस्थित करने व भूमि संबंधी कार्यों के लिए मिशन वसुंधरा की शुरुआत की है? वसुंधरा आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का पर्यायवाची है क्या? वसुंधरा। तो ये पूछ रहे हैं कि मिशन वसुंधरा किसने शुरू किया है, तो इसकी शुरुआत की है किसने? असम ने। असम ने इसकी शुरुआत की है, चलिए ठीक है। किसको? मिशन वसुंधरा असम ने शुरुआत की है, जो पृथ्वी से रिलेटेड है, ये याद रखना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? और आप लोग मुझे अगर हो सके तो ये भी बताना, इसका डिटेल जो भी बने आपसे वो बताना, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग ट्राई कर लेना एक बार कि आपसे जितना डिटेल बने उतना वो आप इसमें ऐड कर सको, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन पर ध्यान दे सकें कि क्वेश्चन मैंने पूछा क्या है, ठीक है। ये हो चुका है या चल रहा है ये भी बता देना, कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने ये भी बता देना, और किस किस ने जीते हैं ये बता दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं बात करूं, मैंने आपसे बोला था मंथली करंट अफेयर्स के लिए सितंबर का, तो आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं, देखो वोटिंग जिसकी ज़्यादा रहेगी, डेली का तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर का आप लोग अगर करंट अफेयर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मुझे आगे ऐसा करना चाहिए या नहीं, नहीं तो ये डेली का तो चले गई, आप लोगों की बस एक राय लेना चाहती हूँ कि आप लोग चाहते भी हैं या नहीं। चलो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।